हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीरू के प्रेडिक्शन। तो गाइस कैसे हो आप, उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान सुपर लीग 2023 के 16 T20 मैच के बारे में। दोस्तों मैच होने वाला है लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में। दोस्तों अगर मैच की पूरी अपडेट चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो अब आगे बढ़ते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 27 फरवरी को इंडिया टाइम के साथ शाम के 7:30 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी गद्दाफी स्टेडियम लाहौर पाकिस्तान में। अब बात करते फैन दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं लास्ट 5 मैच में क्या क्या हुआ। तो पहली टीम रिसेंटली अगर लाहौर कलंदर्स की बात करें तो जहां पे 5 में से 4 मैच जीत के आ रही, तो वहीं 1 मैच हार के आ रही है। वहीं अगर दूसरी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो जहां 5 में से 3 मैच जीत के आ रही है, 2 मैच हार के आ रही है। अगर टीम फॉर्म के अकॉर्डिंग बात करें तो यहां पे लाहौर कलंदर्स 1 मैच से आगे चल रही है। वहीं अगर बात करें दो टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 10 मैचेज में, तो जहां पे लाहौर कलंदर्स 4 मैच जीत के आ रही, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड 6 मैच जीत के आ रही है। अगर हेड टू हेड के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे इस्लामाबाद 2 मैच से आगे चल रही है। तो ये रहे दोनों टीमों का हेड टू हेड। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, ज्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं लास्ट 10 मैचेस में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात करें तो जहाँ पे लाहौर कलंदर्स का 60% देखने को मिल रहा है, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का 50%। एवरेज स्कोर की बात करें तो लाहौर कलंदर का 159 है, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का 165 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो लाहौर कलंदर का 198 है, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का 220 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो लाहौर कलंदर का 118 है, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का 105 है। तो एवरेज टीम कंपेरिजन की बात करें तो यहाँ पे लगभग दोनों का परफॉर्मेंस इक्वल देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं वेदर की ओर। आज के मैच में वेदर कैसी रहेगी, तो मोस्टली क्लियर रहेगी, 23 डिग्री सेल्सियस रहेगी। अगर वहीं ह्यूमिडिटी की बात करें तो 86% रहेगी, वहीं 0% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये ना आज के मैच का वेदर की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला है। इस पिच का फर्स्ट बैटिंग का एवरेज स्कोर की बात करें तो जहाँ पे 176 रन लग सकती है, वहीं अगर सेकेंड इनिंग में देखें तो सेकेंड इनिंग में 150 लगने की संभावना है। इस पिच पे टोटल अभी तक 21 मैच खेले गए, जो हर एक मैच काफ़ी जबरदस्त हुई है। अगर इस पिच की सरफेस की बात करें तो यहाँ पे बैटिंग करने वाली टीम को ज़्यादा सपोर्ट मिल सकती है, वहीं बॉलिंग करने वाली टीम को कम सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि डिफेंस में काफ़ी अच्छा रन स्कोर बनाए जा सकते हैं। अगर चेस करने वाली टीम की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है टीम को चेस करने में। तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि जो भी टीम अगर टॉस जीतती है तो वो बैटिंग चूज करे। तो ये रहे पिच की रिपोर्ट। अब आगे बात करते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो पहली टीम लाहौर कलंदर्स की बात करें, नो डाउट काफ़ी अच्छी टीम है। बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप देखें तो दोनों का कॉम्बिनेशन जबरदस्त देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पे थोड़ी सी लाहौर कलंदर को अपना बैटिंग सुधारने की ज़रूरत है। अगर वही दूसरी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें, नो डाउट काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रही है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। अगर रिसेंटली मैच की बात करें तो रिसेंटली मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस के साथ मैच जीत के आ रही है, तो दोनों के बीच में मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग और जबरदस्त भी हो सकता है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, स्पेक्टेड के विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बाउंस पे। अब चलते हैं दोनों टीमों के की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम लाहौर कलंदर्स के की प्लेयर की बात करें तो फखर जमान, सिकंदर राजा, डेविड वाइज, शाहीन अफरीदी। वहीं दूसरी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के की प्लेयर की बात करें तो शादाब खान, कॉलिन मुनरो, पॉल स्टिरलिंग, फहीम अशरफ। ये रहे दोनों टीमों की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब चलते हैं ज़्यादा देर न करते हुए फाइनली हम लोग विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है और मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।